देखो किवें हुंदा है तुहाडे नाल डिजिटल फ्रॉड। तो यूजुअली कॉल करके पहले आपको एक कॉल आता है ट्राई के नाम से कि आपका फोन जो है मिसयूज हुआ है आपके नाम से, आधार कार्ड के नाम से, और आपका जो फोन है सभी फोन आपके आधार कार्ड से लिंक अगले 2 घंटे में डिसेबल कर दिए जाएंगे। तो लोग डर जाते हैं, वो 9 प्रेस करते हैं, तो वो इमीडिएटली उनको इन जो क्रिमिनल से अटैच कर देता है। साइबर एक्सपर्ट ने दिया लाइव डेमो। सारी एजेंसीज का नाम इन्होंने एक ही जगह पे डाल दिया, आधार कार्ड नंबर भी आपका डाल दिया, आपका डेजी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अरेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट टू कंट्रोल ऑर्डर्स, राइट, सो सो एंड सो, ये सब कुछ यहाँ डाल देते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन सस्पेक्टेड। 3 तरीकों नाल बचा सकते हो अपनी खून पसीने की कमाई। लेकिन वो इतनी जल्दी आज की डेट में प्रिपेयर करके आपको दिखाते हैं कि एक आम आदमी जो है उससे डर जाता है। आजकल लगातार डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के मामले वधण दे नाल लोकां दे विच दहशत दा माहौल है। न्यूज 18 ने साइबर एक्सपर्ट दे नाल मिलके इस डिजिटल फ्रॉड दा लाइव डेमो देखिया। डेमो दे विच पूरा दिखाया गया है कि किस तरह ठग लोग वीडियो कॉल करदे ने, जिस दे पिछे मुंबई पुलिस दा लोगो हुंदा है अते सामने इंस्पेक्टर रैंक दा अधिकारी बैठा हुंदा है कि किस तरह पीड़िता नु धमकाया जांदा है ते उना कोलो सारी ही जानकारी हासिल कीती जांदी है। न्यूज 18 नाल गलबात करदे हुए साइबर एक्सपर्ट राजेश राणा ने दस्या कि एक फेक अरेस्ट वारंट भी दिखाया जांदा है, जिस दे विच इन्फोर्समेंट डायरेक्टर दे नाल सुप्रीम कोर्ट दे ऑर्डर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दे ऑर्डर अते CBI दे ऑर्डर अते अरेस्ट वारंट लगा के लोकां नू भेजे जांदे ने। चंडीगढ़ समेत पंजाब दे विच इह मामले लगातार वधदे जा रहे ने, हालांकि इन्हां उते किसे वल्लों कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा। लोकां नू किस तरह जागरूक करना इस नू लैके साइबर एक्सपर्ट ने भी 5 वड्डे सुझाव दिते ने, जिस दे विच उन्हां ने कहा कि पहला तां कोई भी पुलिस अधिकारी जां कोई एजेंसी दा अफसर, कोई भी CBI दा अधिकारी तुहाडे नाल सीधी वीडियो कॉल ते गल नहीं करेगा अते ना ही तुहाडे नाल ओह फोन ते कोई बैंक दी जानकारी मंगेगा। दूजे नंबर ते उन्हां दे वल्लों अक्सर ही लोकां दे कोलों आधार कार्ड मंगिया जांदा, आधार कार्ड दी फोटो कदे भी वीडियो कॉल उते ना दिखाई जावे, क्योंकि आधार कार्ड जिवें ही उन्हां ने देखिया उसदे उते जो नंबर है उस नूं आधार बना के ओह तुहानूं कदे भी ब्लैकमेल कर सकदे ने, जिस दे कारण तुहानूं फेक अरेस्ट वारंट भी भेजा जा सकदा है। इस तों इलावा होर भी जानकारी साइबर एक्सपर्ट दे वल्लों दित्ती गई है। चंडीगढ़ समेत पंजाब, हरियाणा और कई स्टेट में इस टाइम डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें लोगों में दहशत तो है ही है, लेकिन पैसे लाखों करोड़ों की ठगी भी की जा रही है, और बहुत ही शातिर तरीके से, पूरा एक फिल्मी स्टाइल में जो शातिर ठग है वो पुलिस बनकर, CBI बनकर, RBI बनकर, सेंटर ऑफ ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन बनकर लोगों को पहले डराते हैं, धमकाते हैं, और उसके बाद फिर शुरू होता है ठगी का खेल। भाई इस तरह से कई इस तरह से मामले सामने आ रहे हैं और लगातार केस स्टडी में सामने आया है कि किस तरह से डिजिटल अरेस्ट के चलते 20-20 25-25 दिन लोगों को पूरा डिजिटल अरेस्ट करके घर पे रखा जाता है। हालांकि इससे किस तरह से बचना चाहिए, किस तरह का ये चीजें होती हैं, आज लाइव डेमो भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि किस तरह से कॉल आती है, और हालांकि लोगों को इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ेंगे राजेश राणा जी, वो बताएंगे 5 मेन पॉइंट्स जिससे कि आप बचे जा सकते हैं। सबसे पहले राणा जी, क्योंकि बहुत जरूरी है, डिजिटल अरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, 5 पॉइंट हम बताएंगे, लेकिन आप जो लाइव डेमो दिखाने जा रहे हैं पहले उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए ये जो डेमो है किसी ने ट्विटर पे डाला है रिकॉर्ड करके, यूजर है विजय पटेल, उसने डाला हुआ है, तो उसने उसके पास इस तरह की कॉल आती है, वैसे सभी के पास आ रही है, आजकल हमारे पास भी आती है, हम इग्नोर कर देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो यूजली कॉल करके पहले आपको एक कॉल आता है ट्राई के नाम से कि आपका फोन जो है मिसयूज हुआ है आपके नाम से, आधार कार्ड के नाम से, और आपका जो फोन है सभी फोन आपके आधार कार्ड से लिंक अगले 2 घंटे में डिसेबल कर दिए जाएंगे। तो लोग डर जाते हैं, वो 9 प्रेस करते हैं, तो वो इमीडिएटली उनको इन जो क्रिमिनल से अटैच कर देता है। वो क्रिमिनल से जब कनेक्ट होते हैं तो क्रिमिनल्स उनको डराने की कोशिश करते हैं, पहले वो आपसे प्यार से बात करेंगे, देखिए हम आपकी कंप्लेंट ले लेते हैं, हम पुलिस से बोल रहे हैं, ये आपका बयान लेगा, आपकी कंप्लेंट डाल के छोड़ देंगे, आप अपना आधार कार्ड दिखाइए। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड उनको देते हैं, वो आपके आधार कार्ड में से ही आपकी इन्फॉर्मेशन लेके आपके नाम का एक नोटिस प्रिपेयर कर देंगे किसी ED के नाम से या CBI के नाम से, या 100% फेक, 200% फेक।
लेकिन वो इतनी जल्दी आज की डेट में प्रिपेयर करके आपको दिखाते हैं कि एक आम आदमी जो है उससे डर जाता है, पुलिस के नाम से, ईडी के नाम से, सीबीआई के नाम से, कोर्ट के नाम से, वो डर जाता है। और कई तरह के मामले आ रहे हैं सर, एक लाइव डेमो आप दिखाने वाले हैं उसको, आपको ये डेमो दिखा रहा हूँ। देखिए इसका जब कॉल आ रहा है तो ये कॉल आप यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको सुन लीजिए। जी हेलो, हेलो सर, विजय? यस सर। तो ये वेरिफिकेशन पॉलिसी हमने आपको वेरीफाई कर लिया है, तभी मैं आपको स्टेटमेंट लाइन से टाइप करूंगा, वहां पर मुझे बताइए क्लियर टू क्लियर आपके साथ हुआ गया है, और उसके ब्याह पे आपके आधार कार्ड मिसयूज की कंप्लेंट रजिस्टर की जाएगी और आपको यहाँ से कंप्लेंट कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो आप मेरे साथ बैंक करिए। ठीक है सर। सर यानी कि वीडियो कॉल में एक पुलिस इंस्पेक्टर दिख रहा है और पीछे से पूरा लोगो है, इनके पास पूरा गेटअप है। ओके, और इतने अच्छे तरीके से बनाया गया है कि एक आम इंसान जो है वो घबरा जाता है कि वाकई में मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आई है। ओके, तो वो डर के उनके साथ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर लेता है। इनका जो पहला स्टेप होता है आपको प्यार से समझाना कि देखिए आपका आधार कार्ड हो सकता है किसी ने मिसयूज कर लिया हो, इसके नाम से एक सिम कार्ड यूज हुआ है, उस सिम कार्ड को किसी क्राइम में यूज किया गया है, तो वो वहां पर आपको ये बताते हैं। सेकेंड स्टेप होता है वो आपसे आधार कार्ड की वेरिफिकेशन के नाम पे आपके आधार कार्ड की फोटो ले लेते हैं, फ्रंट और बैक दोनों, यानी कि आपका एड्रेस उनके पास चला गया और आपका आधार कार्ड भी उनके पास चला गया। थर्ड स्टेप पे ये आपको थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए या एक कन्विंस करने के लिए ये वॉकी टॉकी पे हेडक्वार्टर से बात करेंगे कि ये आधार कार्ड नंबर है, इसके अगेंस्ट देखिए कौन सा कंप्लेंट है, क्या है। तो डराने का एक पैनिक क्रिएट कर, एब्सोल्युटली वॉकी टॉकी सुन के और ऑथेंटिसिटी आ जाती है इनकी जो वीडियोस हैं उसमें ऑथेंटिसिटी आ जाती है, विक्टिम इनके वीडियो में, क्रिमिनल्स के वीडियो में ऑथेंटिसिटी आ जाती है, तो विक्टिम उसको और जेन्युइन समझने लग जाता है। जब वॉकी टॉकी पे वो बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप हमें 10 मिनट का समय दीजिए, हम चेक करके बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे फिर ये एग्रेसिव होना शुरू होते हैं कि आपका जो आधार कार्ड है इसमें तो बहुत बड़े फ्रॉड हो रखे हैं, तो ये कोई भी लेटेस्ट केस का नाम लेंगे, फॉर एग्जांपल नवाब मलिक का नाम बहुत यूज कर रहे हैं आजकल ये, क्योंकि बड़ा हाईलाइट हुआ था वो केस। फिर या तो दाऊद इब्राहिम का यूज करेंगे या फिर आपके नाम पे ड्रग्स का यूज करेंगे, आपके कितने बैंक अकाउंट हैं ये आपसे पूछना शुरू करते हैं, आप यूपीआई यूज करते हैं क्या, आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं क्या, वहां तो मिसयूज नहीं हुआ कुछ, तो आप उनको बताते चले जाते हैं कॉन्फिडेंस में, नहीं सर मैं तो एचडीएफसी में नेट बैंकिंग यूज करता हूं, वहां तो मैंने ऐसा नहीं किया, मैं एक्सिस बैंक में यूपीआई यूज करता हूं, मैंने तो वहां ऐसा नहीं किया, तो उसको पता चल जाता कि आपके बैंक अकाउंट कौन कौन से बैंक में है। फिर ये कहते हैं जी आपके अकाउंट में इलीगल पैसा आया हुआ है, आपको फिलहाल हम एक पेनल्टी लगा के छोड़ रहे हैं और ये पैसा फटाफट आप ट्रांसफर कर दीजिए अगर आपने बचना है तो। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने इस यूजर को एक लेटर भी भेजा जिसमें उन्होंने बोला कि आपको हम 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगा रहे हैं। सर वो लेटर दिखाएंगे, वो लेटर जो है वो भी लेटर जब फेक है पोस्टली, क्योंकि वो जो लेटर आपने दिखाया वो इन्फोर्समेंट कह सकते हैं, ये डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब इन्होंने सब कुछ लिख दिया, सारी एजेंसीज का नाम इन्होंने एक ही जगह पे डाल दिया, आधार कार्ड नंबर भी आपका डाल दिया, आपका डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया, अरेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट टू कंट्रोल ऑर्डर्स, राइट, सो सो एंड सो, ये सब कुछ यहाँ डाल देते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन, सस्पेक्टेड सस्पेक्टेड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट वायलेशन, फलाना ढिमकाना, मतलब आपको हम 5 लाख का फाइन लगा रहे हैं। जब आप उनको 5 लाख फाइन ट्रांसफर कर देते हैं जो फाइन नहीं होता एक्चुअली में, तो इनको पता लग जाता है कि इसकी कैपेबिलिटी अच्छी है जिसने एक सेकंड में 5 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया। फिर ये आपको किसी और चीज के नाम से डराएंगे, फिर और किसी चीज के नाम से डराएंगे, तो ये आपको तब तक एक्सप्लॉइट करेंगे जब तक कि आपके बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली नहीं हो जाते। सर इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को किस तरह से 5-6 ऐसे पॉइंट्स बताएं जिससे इस तरह की ठगी से बचा जाए। जी पहला स्टेप, कभी भी पुलिस वीडियो कॉल करके आपको इस तरह की चीजें बताती नहीं है, प्लीज। सेकेंडली अगर आपको कभी कॉल आ जाए तो कॉल को डिस्कनेक्ट करके 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और किसी से बात कीजिए कि मुझे ऐसी कॉल आई है, कोई ना कोई आपके सर्कल में होगा, आप पुलिस में भी बात कर सकते हैं, तो ये आपकी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होने देते, ये आपको कोशिश करते हैं कि आपकी कॉल डिस्कनेक्ट ही ना हो चाहे वो कितने ही दिन चल जाए। ठीक है, कहीं कहीं दिन तक आपकी कॉल कंटिन्यूस चलाते हैं लोग ताकि आप उनके कंप्लीट कंट्रोल में रहें, ताकि आप किसी से बात ना कर सकें, तो आप किसी भी फोन को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए 2 सेकंड के लिए, क्या फर्क पड़ता है, आपने कोई ऐसा क्राइम तो नहीं किया, आप कोई गैंगस्टर तो नहीं है, आप कोई टेररिस्ट तो नहीं है कि आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। ठीक है, तो आप उसको थोड़ी देर ब्रेक देंगे तो आपको सोचने का समय मिलेगा, यानी कि हमेशा एक ब्रेक लेने की कोशिश कीजिए इमीडिएटली जब इस तरह की कॉल आती है। सेकेंडली जब ये आपसे आधार कार्ड मांगते हैं फिर भी आप पहला स्टेप नहीं ले पाते, सेकेंड स्टेप पे आपसे आधार कार्ड मांगते हैं तो इनसे आधार कार्ड शेयर मत कीजिए,
आप इनको बोल दीजिए कि मेरे पास नहीं है, अभी मेरा घर पे रखा है, मेरा ऑफिस में है, मेरे पास डिजिटल कॉपी भी नहीं है, आपसे डिजिटल कॉपी भी मांगेंगे कि अगर आपके पास फिजिकल नहीं है तो डिजिटल दिखा दो। ठीक है, क्योंकि इनको आपका आधार कार्ड चाहिए इस लेटर को ऑथेंटिक करने के लिए। ये जो फेक लेटर है, इसको ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए आपका आधार कार्ड इनको चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इनको आधार कार्ड शेयर नहीं करेंगे तो आपका काफी हद तक बचाव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन वर्स ऑफ द वर्स केस अगर आपको इस तरह का ये दिखा भी देते हैं तो इस लेटर को देखने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट, ईडी, सीबीआई, इतनी एजेंसीज या इतने कोर्ट्स एक साथ काम नहीं करते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट इस तरह के ऑर्डर्स इश्यू नहीं करता है जहां पर वो ईडी और सीबीआई को और इन सबको करके करता हो। ठीक है, आप अपने किसी लॉयर फ्रेंड से, किसी डॉक्टर से, या सॉरी पुलिस से, या किसी भी एक अच्छे ऐसे लोग से बात कर लीजिए जो थोड़ा सा करंट अफेयर्स की जानकारी रखते हो। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे कि आपको कोई पैसा नहीं देना है। फोर्थ, आपने कभी भी किसी भी तरीके से एक भी पैसा किसी को ट्रांसफर नहीं करना है। अगर आपके अकाउंट में कोई इलीगल पैसा है तो गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि आपका अकाउंट ही सीज कर लें, तो आपको पैसा ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होती किसी भी तरीके से। ठीक है, ये अहम पॉइंट है, ये बहुत अहम पॉइंट है। कभी भी गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिसर या इनकम टैक्स ऑफिसर या जीएसटी ऑफिसर्स वो आपको ये नहीं कहते कि जी आप हम अपने अकाउंट से मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, क्योंकि उसमें भी होता है कुछ भी, किसी भी तरह का, तो वो आपसे ये पैसा कभी भी नहीं कहते कि इनसे ट्रांसफर कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, डरिए मत। डरिए मत, बिल्कुल भी डरिए मत, क्योंकि मैं अगेन फिर यही कहता हूं कि आप ना तो गैंगस्टर हैं, ना आप क्रिमिनल हैं, ना कोई टेररिस्ट हैं, ना ही आपने कोई इतना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया हुआ है। यहां पर ऐसा नहीं है कि हम, मैं कहूं कि थोड़े कम उम्र के लोग या जो डर जाते हैं, या मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर बड़ी एज के लोग 60-70 उनको ये बहुत टारगेट करते हैं, बुजुर्ग लोग, क्योंकि उनको पता है कि इनके पास पैसा भी है और ये डरेंगे भी जल्दी। उनको डर होता है कि कहीं पुलिस आ गई अरेस्ट करने या कुछ हो गया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है। अगर आपके आधार कार्ड का मिसयूज हुआ भी है तो वो आपने नहीं किया है। आधार कार्ड आप 100 जगह सबमिट करते हैं आज की डेट में, तो ये डेफिनेटली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है फाइंड आउट करना कि अगर आपका आधार कार्ड भगवान ना करे मिसयूज हुआ है तो वो कहां से हुआ है। ये बहुत अहम पॉइंट है सर। कुछ क्लिप्स जो है, वीडियो जो आई है, उनकी किस तरह से टॉकिंग होती है, वे ऑफ टॉकिंग होती है, और बहुत ही कॉन्फिडेंट लेवल पर, कॉन्फिडेंट लेवल से ये बातचीत करते हैं। जैसे इसमें ये जो फ्रॉड करेक्ट किया गया, आपकी लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है, तो इसमें क्या होगा, आपके फोन में बैटरी चार्ज ज्यादा करेगा फोन आपका। तो अभी आप चेक कीजिए आपके फोन में बैटरी अभी 20% अभी कितना चार्ज है सर। अभी तो 87% है। 87 है, तो 87 काफी है। तो देखिए यहाँ पर ये इसलिए कह रहे हैं कि ये फोन इतना चार्ज है ताकि आपका फोन डिस्कनेक्ट ना हो, मतलब इंश्योर करना चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से डिस्कनेक्ट ना हो। okay. तो आप अपने फोन को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। ठीक है, सिंपल, ऊपर से स्टोर। ये अहम पॉइंट है कि ये चाहते हैं कि बिल्कुल बने रहे, चाहे वीडियो कॉल चाहे ऑडियो कॉल। नहीं, ये वीडियो ही करेंगे। ओके, वीडियो में नजर आता है कि आप कहाँ पे हैं। ओके, ऑडियो में आप म्यूट पे करके किसी और से भी बात कर सकते हैं। तो ये 99% आपको बोलते हैं कि 360 डिग्री दिखाइए, आपके आसपास तो कोई नहीं बैठा है, यानी कि कोई आपको गाइड ना कर दे, कोई ये ना बता दे कि ये गलत है। ये गलत है सर, इसमें लोगो वगैरह भी जो है वो लगाया जाता है। हाँ जी, ये बिल्कुल लोगो तो आज की डेट में बड़े नॉर्मल है, ये क्रिमिनल्स लोगो लगा के ही आपको कॉल करते हैं। पुलिस और सर, और इसमें जी मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो स्टेटमेंट लाइन है इसमें आपको बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ सर। तो और कौन है आपके साथ, कोई थर्ड पार्टी ऐसा कुछ? कोई नहीं सर। कोई नहीं है? नहीं सर। आप एक काम कीजिए, अपना बैग 360 घुमाइए। ठीक है सर। यानी कि ये पता करते हैं कि आसपास कोई है, आसपास कोई है तो नहीं, आपके साथ रूम में कोई तो नहीं है, तो ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई बैठा होगा तो ये आपको उस वक्त कुछ नहीं कहेंगे। ये बहुत अहम पॉइंट है, यानी कि जो साथ में बैठा है इनको पता है कि अगर उसके बात की तो वो बात बाहर निकल जाएगी तो फिर पोल खुल जाएगी। ये बहुत अहम है, जैसे सर ने बताया कि किस तरह से चीजों का ध्यान रखना है। जैसे सर ने 5 अहम पॉइंट्स बनाए, सबसे अहम जिसमें है कि अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो बिल्कुल शेयर नहीं करना, दूसरा पैनिक जो है वो नहीं होना, और कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको कॉल करके, वीडियो कॉल करके, या कोई आरबीआई से या फिर किसी भी तरह से आपके अकाउंट से पैसे नहीं मंगवाता। ये गवर्नमेंट को पावर होती है, अगर कोई ऐसी बात है तो वो खुद ही अपने आप ही अकाउंट्स को सीज कर सकते हैं, उनके पास पावर है। और इस तरह का जो फेक लेटर जैसे सर ने दिखाया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया,
आरबीआई, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक साथ इतनी सारी एजेंसीज कभी भी काम नहीं करती, अलग अलग हर किसी का एक काम है। और ये बहुत जरूरी है कि लोगों को, सबसे बड़ी बात कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे राजेश राणा जी ने बताया कि आजकल जिस तरह से फ्रॉड चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट के मामले चल रहे हैं, लाखों करोड़ों की ठगी किस तरह से की जा रही है, और डरा धमका कर डिजिटल अरेस्ट करके घर में लोगों को, जिस तरह से केस स्टडी हमने की थी, बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। और साइबर सेल भी इसमें काम कर रहा है, साइबर पुलिस भी इसमें काम कर रही है, किस तरह से नेक्सस चल रहा है, ये बहुत जरूरी है लोगों को अवेयर होना। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब।